दोस्तों डबलिन के मैदान पर आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली। इस मुकाबले में कुल 3 शतक लगे। साउथ अफ्रीका की ओर से यानेमन मलान और क्विंटन डिकॉक ने सेंचुरी ठोकी। वहीं आयरलैंड के ऑलराउंडर सिमी सिंह ने नंबर 8 पर उतरकर सेंचुरी लगाई। सिमी सिंह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 91 गेंदों में नाबाद 100 रनों की पारी खेली। अपनी शतकीय पारी में सिमी सिंह ने 14 चौके लगाए। हालांकि सिमी सिंह की शतकीय पारी के बावजूद आयरलैंड की टीम 70 रनों से मैच हार गई। सिमी सिंह की पारी आयरलैंड को जीत तो नहीं दिला सकी, लेकिन इस टीम ने साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में नाको चने जरूर चबवा दिए। दोस्तों आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका पर दूसरे वनडे में जीत दर्ज की थी और ये वनडे सीरीज 1-1 से ड्रॉ हो गई। वनडे सीरीज का पहला मैच बारिश में धुल गया था। आपको बता दें तीसरे वनडे में शतक ठोकने वाले सिमी सिंह का ताल्लुक भारत से है। सिमी सिंह ने अंडर 19 स्तर तक का क्रिकेट भारत में ही खेला, लेकिन मौका नहीं मिलने पर वो आयरलैंड बस गए और उन्हें वहाँ मौका मिला। दोस्तों सिमी सिंह का पूरा नाम सिमरनजीत सिंह है और उनका जन्म 1987 में पंजाब के बटनाला में हुआ था। सिमरन सिंह जीत ने पंजाब के लिए अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 क्रिकेट खेला। चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में सिमी सिंह और लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल साथ साथ क्रिकेट खेले। सिमी सिंह तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौर के भी अच्छे दोस्त हैं। हालांकि सिमी सिंह का भारत में उस वक्त करियर समाप्त हो गया जब उन्हें पंजाब की अंडर 19 टीम से बाहर कर दिया गया। इसके बाद सिमी ने क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया। भारतीय टीम में जगह बनाने का सपना छोड़ सिमी सिंह ने आयरलैंड का रुख किया। सिमी सिंह आयरलैंड पढ़ाई के लिए गए थे, लेकिन वहां जाकर वो एक बार फिर क्रिकेट खेलने लगे। सिमी सिंह ने आयरलैंड के घरेलू क्रिकेट में गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया और साल 2017 में उनका इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का सपना पूरा हुआ। सिमी सिंह ने 14 मई 2017 को न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू किया। सिमी सिंह ने आयरलैंड के लिए अब तक 30 वनडे मैचों में 34 विकेट लिए हैं। वहीं 24 टी20 में वो 21 विकेट झटकने में कामयाब रहे हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो सिमी सिंह के नाम 26 वनडे पारियों में 24.68 की औसत से 543 रन है। सिमी सिंह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही अपना पहला इंटरनेशनल शतक ठोका है। सिमी सिंह को भले ही भारत में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका ना मिला हो, लेकिन आयरलैंड में वो अपनी प्रतिभा का सबूत पेश कर रहे हैं।